और आज हम लाए हैं इस प्रेस्टीज वीक में आपके लिए एक बहुत ही मस्त रेसिपी विच इज कॉल्ड मुंबई मसाला ग्रिल्ड सैंडविच इन जस्ट 5 मिनट्स फॉर यू. वी आर सो एक्साइटेड एंड अ बिग बिग थैंक्स टू टीटीके प्रेस्टीज फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू गिफ्ट ऑल द वंडरफुल मॉम्स दैट वी हैव गिफ्टेड सो फार दीज अमेजिंग किचन अप्लायंसेज. जो अपनों से करें प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करें इनकार, एंड बी ऑन जायका का तड़का से जो मॉम से करें प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करें इनकार. यू कैन सी दिस इज द प्रेस्टीज का सैंडविच टोस्टर फिक्स ग्रिल प्लेट वाला जो कि हम यूज कर रहे हैं. वी विल बी यूजिंग दैट. इट्स अ वंडरफुल ग्रिल सैंडविच मेकर. आई एम अ बिग फैन ऑफ इट एंड वी आर गोइंग टू शो इट टू यू. दिस व्हाट वी आर डूइंग. होल व्हीट ब्रेड ले रहे हैं. कोई से भी आप व्हीट ब्रेड भी ले सकते हैं, व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं एज पर यू. दिस इज टोमेटो केचप. दिस इज बटर का स्लाइस दैट वी आर डूइंग. दिस इज ग्रीन चटनी दैट वी आर यूजिंग. दोज आर द वेरियस वेजिटेबल्स. अगर आप देखिए यहाँ पे 3 slices ऑफ टोमेटोज मैंने लिए, क्योंकि मैं एक सैंडविच मेरे लिए अपने लिए दिखा रही हूँ आपको. मैंने 3 कट करे हैं राउंड शेप में. दिस इज अनियन 3 slices. दिस इज बॉइल्ड पोटैटोज. दिस इज कुकुम्बर. ऑल दीज आर ऑप्शनल. आपको जो अच्छा लगे आप वो ऐड कर सकते हैं. दिस इज चीज का स्लाइस दैट वी आर एडिंग हियर. यहाँ पे आप कोई सा भी चीज ले सकते हैं. दैट इज चाट मसाला, मिक्सड हर्ब्स एंड सॉल्ट जो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं. एंड देखिए सबसे पहले हम ये सैंडविच मेकर जो है इसका हम बटन ऑन कर रहे हैं, क्योंकि ये प्री हीट होना होता है. दीज टू इंडिकेटर्स आर वेरी इजी टू यूज. रेड मीन्स अब जैसे ही ये ग्रीन हो जाएगा दैट वुड मीन दैट इट इज प्री हीटेड. प्री हीट हो गया है. वी आर गोइंग टू पुट सम टोमेटो केचप इन दिस. ये देखिए टोमेटो केचप लगाया हमने क्विक. दिस आई मेक फॉर माई ब्रेकफास्ट मेनी टाइम्स व्हेन आई डोंट हैव टाइम बिकॉज ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स आर इजीली अवेलेबल. ग्रीन चटनी इज ऑप्शनल. अगर आप बनाना चाहते हैं कर सकते हैं. दैट इज वॉट आई हैव सो आई एम यूजिंग इट. बटर इट्स अप टू यू अगर आप इसमें मिक्स करना चाहते हैं, बट मैं बटर ऊपर की कोटिंग पे करूंगी. देन आई एम गोइंग टू पुट 1 by 1 टोमेटो पीसेस है, कुकुम्बर के पीसेस. You can put as many slices as you want. This is a very good recipe for your kids also because guys, बच्चों को vegetables चली जाती है. Onion is again optional. अगर आपको onion पसंद है, I love onion, so I am putting it here. Then you can put यहाँ पे आप tomato का भी कर सकते हैं. I love to eat little bit of butter also, so आप इसको spread भी कर सकते हैं. But I just like to have this topple it up. Then I am just going to use this cheese का piece. आप यहाँ पे चीज डाल सकते हैं. यू कैन जस्ट पुट इट हियर. चीज मेल्ट हो जाएगी बहुत अच्छे से. देन यू स्प्रिंकल सॉल्ट इन दिस, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट. यू कैन स्प्रिंकल इट ऑन वेजिटेबल्स एज वेल. इट डजंट मैटर आप उसको वेजिटेबल्स पे कर रहे हैं या क्या. दिस इज मिक्स्ड हर्ब्स ताकि बच्चों को पिज्जा बहुत पसंद होता है. आई लव these mixed herbs being put in this. And this is the Indian tadka jo hum laga rahe hain. This is chaat masala, the olden way of do it. All masala sandwich makers in Mumbai do this. I have seen them make it. I love it when they do it. And now after this we are just going to put butter on this. You can quickly make it and see the red light has come on. ये green light आ गई है, तो that means this is preheated. अब आप इसको आप लगा सकते हैं. That is what you can make. अब आप यहाँ पे इसको open करिए. Now we have put butters on both the sides here. See both the sides butter we have put. We'll just keep it here. And tada, my breakfast of the morning is ready. अब जैसे ही मैंने इसको बंद कर दिया, the green light is going to go off. And why I love this. Prestige का grill maker is कि we will see it has aluminium का non-stick plates in it. So that means कि आपको less oil या less butter use करना होता है. You can easily make it. And then free home service है, तो आपके घर पे ही बैठे बैठे अगर आपको सर्विसिंग करानी है तो घर पे आके वो सर्विस कर जाएंगे, which is very important. And बाकी you know like it has a heat resistant material. ये देखिए the green light has come, so we are going to switch it off. Green light आ गई है and we are going to show. Tada! My sandwich is ready. I just can't wait to eat it. And my sandwich is ready.
the Mumbai Masala Sandwich in just 5 minutes. Apeksha's signature dish.